नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में कर रहे हैं या बायोलॉजी को देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग 6 चैप्टर निपटा चुके हैं। जस्ट पिछले लेक्चर चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, पादप रोग। ठीक है, अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग पादप ऊतक के बारे में। ठीक है, आपको फिर से बता दें, फिले लिस्ट में जनरल साइंस के नाम से सूची बनी हुई है, उसी में सभी लेक्चर एक साथ पढ़े हुए हैं। ठीक, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊतकी, हिस्टोलॉजी। ऊतकी का नामकरण किसने किया, मायर। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, विचट। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो आपको याद रखा है कैम्बियन, कैम्बियम। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है, कॉर्क कैम्बियम से। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, फ्लोरम, फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, जाइलम। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, वार्षिक बल्लियों की गिनती करके। वायु तक किस में माया जाता है, मापा जाता है, वायु तक किस में पाया जाता है, हाइड्रोफाइटस में। आर्किड में बिलो बिलामेन ऊतक कहाँ पाया जाता है, मूलों में। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, अंतारंभीय इधा के कारण। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती, क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु कितनी होगी, 50 वर्ष। यदि सन 2005 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2018 में यह कील कितनी ऊंची होगी, यह वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है, तो याद रखिए 9 फिट। जलोद्भिद किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं, वायु तक। शीर्षस्थ विभाजी ऊतक किसके लिए उत्तरदायी है, लंबाई में वृद्धि के लिए। रंध्रों की संख्या यूनिकेट होती है तथा तो एक किस में धसे होते हैं, मरुद्भिदों में। शाखाओं में पत्तियां किस कारण से झड़ जाती हैं, कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। विलामेन की आवश्यकता क्यों होती है, नमी के अवशोषण के लिए। फार्स विभा ये उत्तर किसके लिए उत्तरदायी है, मोटाई में वृद्धि के लिए। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे प्राप्त होता है, जाइलम, टिशू से। किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो याद रखें जेसी बोस। पादपों में सबसे बाहरी मोम की मोटी परत क्या कहलाती है, क्यूटिकल। मृदुतक का तात्पर्य क्या कार्य है, प्रकाश संश्लेषण, संचय एवं तथा स्राव। दृढ़ तक भित्ति का क्या कार्य है, यांत्रिक सहारा देना।
पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते तने की स्तनता के कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? दृढ़तक। संवहनी, पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू द्वारा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की संरचना में कौन जिम्मेदार है? रंध। कौन ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए उत्तरदायी है? कोशिका दीवार। किसी पौधे में जल तथा अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होते? मार्केंसिया। औत की शाखा की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की? मार्सेली मेलपीगी। कुछ मेदूतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरिंकाइमा। जलीय पौधे में तैरने के लिए मेदूतक में गुहिकाएँ पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें वायुतक। बात करते हैं रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र के प्रकार। ऊतक तंत्र, पादम में स्थिति और प्रमुख लक्षण। तो पहला बाह्य ऊतक है, बाह्य तुचीय ऊतक तंत्र, जड़ व तने का बाहरी भाग जो आवरण बनाता है। प्रमुख लक्षण देखें, क्यूटिकल सबसे बाहरी मोम की मोटी परत है। जड़ों में अनुपस्थित बाह्य त्वचा। मेदूतक की बनी बाहरी एकल परत। रंध्र पत्ती की बाह्य त्वचा में उपस्थित वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय में सहायक है। भरण ऊतक तंत्र, बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक कहलाते हैं। इसमें सरल ऊतक होते हैं। प्राथमिक तनिक में मेदूतक कोशिका प्रवाह बल को परिरंभ पथ तथा मज्जा किरण में होती है। पत्तियों में ये पतली भीति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त जिन्हें पर्ण मध्य तक मेसोफिल कहते हैं। फिर है संवहन ऊतक, जड़ व तने के केंद्र में जल तथा भोजन के संवहन में सहायक है। ये जटिल ऊतक जाइलम व फ्लोएम की मध्य कैम्बियम में होता है। जिस संवहन बंडलों में कैम्बियम पाया जाता है उन्हें खुला संवहन बंडल तथा जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां चैप्टर पादप ऊतक। अगले 8वें लेक्चर में देखेंगे हम लोग पादप अनुवांशिकी। ठीक है।